तो जो अब अगला प्रॉब्लम है ये क्या बोल रहा है, लेट जी बी द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी इज एन आर्बिट्री पॉइंट, प्रूव दैट पी स्क्वायर प्लस पी वी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 PG स्क्वायर प्लस 1/3 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। क्या है एक्चुअली में, एक ट्राइंगल में जी एक सेंट्रॉइड है और पी कोई भी एक पॉइंट है, तो आपको क्या प्रूफ करना है कि पी ए स्क्वायर प्लस पी वी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर कितना होगा, 3 PG स्क्वायर प्लस 1/3 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये वाकई में बहुत क्लासिक प्रॉब्लम है, मैंने इसे जब ट्राई किया था तो बहुत ही मज़ेदार था ये, मतलब मुझे बहुत मज़ा आया, सीरियसली बहुत मज़ा आया क्वेश्चन को करने में। और डेफिनेटली आप लोगों को भी इसे ट्राई करना चाहिए, आप इसे आप इसके हाफ वे में भी अगर पहुँचते हो तो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और आप इसे पूरा सॉल्व कर लेते हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है, मतलब आपको ज्योमेट्री एक्चुअल में फील हो रही है कि हाँ यार ठीक है कर सकते हैं हम लोग, ऐसी बड़ी बात नहीं है। कोई भी RMO या NMO क्वेश्चन आता है तो मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ, कोई इतना बड़ा वो नहीं है ना, इशू नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करिए आप लोग, हम भी स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है कि ये लिख लिया मैंने जो मुझे प्रूफ करना है, दैट इज पी ए स्क्वायर प्लस पी वी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पी जी स्क्वायर प्लस 1/3 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सबसे पहली चीज इसमें जो वो है क्या बोलते हैं यूज हो रहा है ट्राइंगल में, वो है सेंट्रॉइड, मतलब सेंट्रॉइड एक वर्ड आ रहा है। अगर सेंट्रॉइड आ रहा है तो डेफिनेटली मीडियन आ रहा होगा, और प्रूफ करने में साइड की स्क्वायर्स हैं, मतलब कि डेफिनेटली इसमें अपोलोनियस थ्योरम जरूर आ रहा होगा। ये पहली ऐसी चीज थी, अपोलोनियस, हाँ अपोलोनियस थ्योरम जरूर आ रहा होगा, ये चीज पहली ऐसी थी जिससे मेरा प्रॉब्लम बहुत ही लाइट हो गया। मतलब जैसे ही मैंने सोचा कि नहीं यार मुझे बस अपोलोनियस थ्योरम लगाना चाहिए, बार बार ट्राई करूँ अगर मैं कि अपोलोनियस थ्योरम मैं लगाऊँ अप्लाई करते रहूँ तो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं पहुँच जाएगा। ठीक है ना, अब हम लोग फिगर बना लेते हैं इसका। ठीक है, इसका फिगर कैसा है, आपका सिंपल एक ट्राइंगल है ए बी सी, अब इसका एक सेंट्रॉइड आ रहा है, वो आ रहा होगा मीडियन पे, ये इसका मिड पॉइंट मान लेता हूँ। इसको अगर मैं ज्वाइन करूँगा तो ये पॉइंट आ रहा है जी और ये मेरा डी आ रहा है, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद में एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं कहीं पे पी, यहीं कहीं पे ले लेता हूँ, ये ले लिया पी। ठीक है, अब इसको ज्वाइन करता हूँ मैं, तो इसको मैं पहले तो ए से ज्वाइन कर देता हूँ, इसी पॉइंट को मैं बी से ज्वाइन कर देता हूँ और इसी पॉइंट को सी से ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये मेरे को क्या मिल रहा है, पी ए पी बी और पी सी के बारे में बता रहा है, ये पी ए है, ये पी बी है और ये पी सी है। ठीक है ना, हाँ इसी को मैं डी से भी ज्वाइन कर देता हूँ क्योंकि आगे चल के मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है, और पी जी भी लेंथ है ये रहा। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं अगर अपोलोनियस थ्योरम लगाने जाऊँ तो दो जगह तो मुझे अपोलोनियस थ्योरम दिख रही है, और वो कौन कौन सी जगह है, एक तो ट्राइंगल ए बी सी में, ए डी मेरी मीडियन के लिए है ना, एक अपोलोनियस थ्योरम मेरे को दिख रहा है पी बी सी में जिसमें पी डी मेरी एक्चुअली में एक मीडियन है। ठीक है, तो ये दो दिख रहे हैं मेरे को, एक और मैं देख सकता हूँ स्टीवर्स थ्योरम के रूप में, वो मैं देख पा रहा हूँ पी ए डी में जिसमें पी जी मेरी सीवियन है और इसको किस रेशियो में डिवाइड करें, 2:1 में, तो ये 2/3 लेंथ होगी और ये 1/3 लेंथ होगी। ये तीन चीज़ें मुझे दिख रहा है, तीन चीज़ों को मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मेरे को एक और चीज़ क्लिक की कि क्यों ना मैं ऐसा करूँ कि इसको एक्सटेंड कर दूँ, इतनी ही लेंथ में आगे और एक्सटेंड कर दूँ। ठीक है ना, तो ये आगे
कुछ और एक और पार्ट बन जाएगा, ठीक है। एक्चुअली मैंने 9th की आर डी शर्मा में एक क्वेश्चन देखा हुआ था कि उसमें हम साइड को एक्सटेंड करते थे, वो ट्राइंगल इनइक्वालिटी में आता है, तो मुझे उससे क्लिक किया था, ठीक है। तो आप लोगों को भी गाइज ये करना चाहिए है ना, कि मतलब आप अगर छोटी छोटी बुक्स और छोटे छोटे नोट्स भी अगर आप लिख रहे हैं तो कई बार आपको उनसे भी हेल्प मिल जाती है, ठीक है। तो वो काम का था और ये इसने मुझे काफ़ी मतलब काफ़ी हेल्प भी की इस वाले रिजल्ट ने, इस वाले कंस्ट्रक्शन ने, ठीक है ना। तो मैंने जी डी के इक्वल और थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, इस पॉइंट को मैंने एक्स दिया और इसको ज्वाइन कर दिया इस तरीके से, ठीक है। इसको बी और सी से ज्वाइन करने की ज़रूरत थी या नहीं आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब आप देखिए इसको, अब देखिए अब मेरा एक और ट्राइंगल कौन सा आ रहा है, पी ए एक्स। पी ए एक्स ट्राइंगल में भी मैं अपोलोनियस थ्योरम लगा पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ ट्राइंगल्स हैं जिनको मिला के मैं पी ए स्क्वायर, पी वी स्क्वायर, पी सी स्क्वायर तीनों कलेक्ट कर पा रहा हूँ, है ना। और होपफुली इनमें ए ए बी बी सी और ए सी लेंथ भी आएगी, है ना। ए बी और ए सी लेंथ तो मेरी उसमें ही आ जाएगी, ए बी सी ट्राइंगल में पोलिस लगाने पे, ठीक है। मुझे बी सी लेंथ और लाना होगा, ठीक है, तो वो भी ले आएंगे, ठीक है। लेकिन अब डेफिनेटली इतने कंस्ट्रक्शन के बाद में प्रॉब्लम इजीली हो जाएगा, बस आपको अपोलोनियस थ्योरम लगाते जाना है, क्लियर। सबसे पहले मैं जो अपोलोनियस थ्योरम लगाने जा रहा हूँ वो है ट्राइंगल ए पी एक्स में, ठीक है। ए पी एक्स में मैं अपोलोनियस थ्योरम लगाऊँ, ये रहा ए पी एक्स, है ना, जिसमें जी मेरा मिड पॉइंट है ना, जी क्यों है मिड पॉइंट, ये पहले 2:1 में डिवाइड कर रहा था, अब एक और रेशियो मैंने यहाँ पे बना दिया है, तो अब ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है, मतलब 1:1 में, तो जी पी मेरा क्या हो गया, मीडियन हो गया, ठीक है, उसी बेस पे, तो उससे मेरा पी जी का स्क्वायर भी मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो देखते हैं इसमें इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है ए पी का स्क्वायर प्लस पी एक्स का स्क्वायर। होपफुली आपको अपोलोनियस थ्योरम याद हो, है ना, अगर आप भूल गए हैं या फिर आप अपने नोट्स में नहीं लिखा है आपने, तो प्लीज़ नोट्स में ज़रूर उसको नोट कीजिएगा, और आप देख सकते हैं इसका वीडियो बनाया हुआ है मैंने, ठीक है। ए पी स्क्वायर प्लस पी एक्स स्क्वायर, है ना, वो किसके इक्वल होगा, 2 times ऑफ ए जी का स्क्वायर प्लस 2 times ऑफ पी जी का स्क्वायर, ये मेरी पहली कंडीशन है। अब ए जी स्क्वायर को मैं आगे चल के ए डी में कन्वर्ट कर लूंगा, ताकि मैं ए बी सी वाले ट्राइंगल के अपोलोनियस थ्योरम से कंपेयर कर पाऊँ, तो ये बाद में कर लेंगे, अभी खैर अभी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मेरा पहला था। अब इसके बाद में अगला वाला जो मैं अपोलोनियस थ्योरम लगाने जा रहा हूँ वो है पी बी सी में, ठीक है। अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा कि पहले यही दो क्यों लिए मैंने, ठीक है। पी बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, देखिए पी बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर इक्वल टू 2 times ऑफ बी डी स्क्वायर प्लस 2 times ऑफ पी डी स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। अब देखिए अगर मैं इनको ऐड करूं तो ए पी स्क्वायर, पी बी स्क्वायर और पी सी स्क्वायर तो मिल गया ये तीनों, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, है ना। और इस तरफ आप देखोगे एडिशन में तो 2 times ऑफ पी जी स्क्वायर मिल गया, तो एक पी जी स्क्वायर इस तरफ चाहिए है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टाइप से मेरे को इस तरफ चाहिए है। तो मैं दो ही एक्सप्रेशन में काफ़ी करीब पहुंच गया हूं मेरे फाइनल सॉल्यूशन के, ठीक है, ऐसा दिख रहा है फिलहाल मुझे, है ना। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये चीज़ एकदम से स्ट्राइक नहीं की है, ये चीज़ इस डायग्राम को बार बार बनाने से किया है कि इसमें कितने ज़रूरत पड़ रहे हैं। पहले मैंने कुछ और अप्रोच लगाई थी, फिर पर धीरे 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 इसको दूसरी तीसरी चौथी बार अटैम्प्ट करने पे मुझे आते गया समझ में धीरे धीरे कि यार इसको किस तरीके से एक्चुअल में करना था, सिक्वेंस वाइज की अप्रोच क्या है। तो सिक्वेंस वाइज की अप्रोच ये है, पर जब मैंने इसे स्टार्ट किया था तो इस तरीके से स्टार्ट नहीं किया था मैंने, और भी बीच में बहुत सारी गलतियाँ की थी, पर धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि अच्छा ठीक है, मुझे ये करेक्ट करना है,
है ना, तो उससे मेरा फाइनली ये सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ये दो किए, इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर प्लस पी एक्स स्क्वायर, ये वाला पी एक्स स्क्वायर इस तरफ आ रहा है मेरा 2 PG स्क्वायर, पहले इसे ही लिख लेते हैं। अब देखिए इसे भी कन्वर्ट कर लेते हैं, अगर मैं ए जी स्क्वायर की बात करूं, ए जी स्क्वायर की, तो जो मेरा ए जी होता है वो कितना होता है 2/3 times of AD, तो ए जी स्क्वायर कितना होगा, ए जी स्क्वायर होगा 4/9 times of AD स्क्वायर। इसकी वैल्यू यहां पुट करूंगा तो ये 8/9 times आ जाएगा, दैट इज 8/9 times AD स्क्वायर। ये दोनों टर्म लिख लिए, उसके बाद में 2 BD स्क्वायर, इस 2 BD स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं BC स्क्वायर बाय 2। ऐसा क्यों, BD जो है वो है BC बाय 2, है ना। अब इसको स्क्वायर करूंगा तो BD स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा, BC स्क्वायर बाय 4, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो BC स्क्वायर बाय 2, तो ये कितना हो गया BC स्क्वायर बाय 2 प्लस ये हो गया 2 times of BD स्क्वायर। ये मेरी इक्वेशन आई है ऐड करने के बाद में, तो ये तीनों तो मुझे मिल गए। ठीक है, अब चाहो तो कॉन्फिडेंस के लिए इस पर टिक कर सकते हो कि हाँ ये चीजें मैंने करेक्ट कर ली। कौन कौन सी हैं, ये तीनों और पार्शली ये वाला भी कलेक्ट कर लिया, कुछ पार्शली एक बचा हुआ है। ठीक है, बाकी ये कलेक्ट करना है, और इसमें से भी आप ध्यान दोगे तो ए डी स्क्वायर मेरा आ चुका है, जो कि मुझे ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर के टर्म्स में कुछ ना टर्म्स तो दे रहा हूँ, तो ये भी पार्शली हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस वाले में अगर आप एक और ट्रायंगल देख पा रहे हो जिसमें मेरा वो लग रहा है, क्या बोलते हैं, अपोलोनियस थ्योरम, वो है पी जी एक्स। इसमें मेरा अपोलोनियस थ्योरम लगाने का कारण ये है कि इसमें मुझे पी डी का स्क्वायर भी मिल रहा है, एक पी जी का स्क्वायर भी मिल रहा है और एक पी एक्स का स्क्वायर भी मिल रहा है, जिससे मैं ये जो एक्स्ट्रा टर्म्स आ रही हैं इनको एलिमिनेट कर सकता हूँ। ठीक है ना, हाँ, तो ये उसका वो है, मतलब एडवांटेज है, इसलिए मैं इस ट्राइंगल को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। तो ये मेरा ट्राइंगल है जी पी एक्स, तो इसमें क्या रिलेशन बन रहा है, वो बन रहा है पी जी स्क्वायर प्लस पी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 times of GD स्क्वायर प्लस 2 times of PD स्क्वायर। ठीक है, अब आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो पी जी स्क्वायर प्लस पी एक्स स्क्वायर, अगर मैं इस तरफ को ऐड करूँ तो पी जी स्क्वायर इधर ऐड होगा और इधर सेपरेट हो जाएगा वो, तो इसको मुझे इस डायरेक्शन में ऐड नहीं करना चाहिए, इसको मुझे इस तरफ ऐड करना चाहिए ताकि पी जी स्क्वायर इससे ऐड होके 3 PG स्क्वायर बने और पी एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाए। सेम ये वाला इस तरफ ऐड होगा तो पी डी स्क्वायर इधर वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 GD स्क्वायर ए डी स्क्वायर में कन्वर्ट होके इससे कुछ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर रहे हैं, हम एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन, है ना, एडिशन नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन। तो इस बार जो मैं ऑपरेशन लगाने जा रहा हूँ वो होगा सब्ट्रैक्शन, देखते हैं क्या होता है। ये रिलेशन पूरा ऐसा कैसे, देखिए पी एक्स स्क्वायर और पी एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो ये तो गया, ये पी जी स्क्वायर नेगेटिव साइन के साथ बचा। उसके बाद में ये 2 BG स्क्वायर है प्लस ये है 8/9 AD स्क्वायर। ठीक है, अब ये 2 GD स्क्वायर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं वापस,
है ना, जो मेरा जी डी होता है वो होता है ए डी बाय 3, तो जी डी स्क्वायर जो होगा वो होगा ए डी स्क्वायर बाय 9, तो 2 जी डी स्क्वायर होगा 2 ए डी स्क्वायर बाय 9, तो ये नेगेटिव साइन के साथ में आएगा 2 ए डी स्क्वायर बाय 9। अब ये 2 पी डी स्क्वायर और ये 2 पी डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए क्योंकि अपन सेपरेट कर रहे हैं, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब एक और टर्म कौन सी बची, बी सी स्क्वायर बाय 2, तो ये लिख लिया है बी सी स्क्वायर बाय 2। देखिए अब बहुत हद तक मैं करीब पहुंच चुका हूँ, है ना। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पी जी स्क्वायर यहाँ जाके 3 पी जी स्क्वायर बनाने वाला है, ठीक है। देखते हैं अब ये क्या हो गया है, पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर इक्वल टू 3 पी जी स्क्वायर प्लस ये सब्ट्रैक्ट होके आ रहा है 6 बाय 9 ए डी स्क्वायर, है ना, जो कि कैंसिल होके 3 से कैंसिल होके 2 बाय 3 दे देगा, और ये आया है बी सी स्क्वायर बाय 2। ये एक बहुत ही करीब पहुंच चुका हूँ रिजल्ट के, तो ये मेरा एक रिजल्ट आ गया है, ठीक है। अब फाइनली मैं लगाने वाला हूँ अपोलोनियस थ्योरम ट्राइंगल ए बी सी में, वो क्या देगा मुझे, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर, ठीक है। और ये लिखा हुआ है 2 बाय 3 ए डी स्क्वायर, ये क्या लिखा है 2 बाय 3 ए डी स्क्वायर, तो 2 ए डी स्क्वायर की जगह पे मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, तो मुझे जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर। मैं क्या कर रहा हूँ, इस 2 ए डी स्क्वायर की वैल्यू ये पूरी ये कहाँ सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ, यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू 3 पी जी स्क्वायर, है ना। ये कितना था 2 बाय 3, जिसमें 2 ए डी स्क्वायर की वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ, तो 1 बाय 3 बाहर लिख लिया, और 2 ए डी स्क्वायर की वैल्यू है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बाय 2, है ना, और प्लस बी सी स्क्वायर बाय 2। देखिए अब बिल्कुल फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ, अब अगर आप इसको 3 से अगर इधर मल्टीप्लाई करोगे तो यह है माइनस बी सी स्क्वायर बाय 6, कितना है माइनस बी सी स्क्वायर बाय 6, और यह है प्लस बी सी स्क्वायर बाय 2। अब जब से सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है बी सी स्क्वायर बाय 3। अब जब से अंदर ले जाओगे तो आपको वही प्रूफ करना था जो आप, वही रिजल्ट आया है जो मुझे प्रूफ करना था, ठीक है। तो इसमें अपोलोनियस थ्योरम लगाई है बार बार, तो ये एकदम से नहीं आया है, मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ कि इसको एक्चुअल में काफ़ी टाइम लगा, ये एकदम से नहीं आया था, ठीक है। मैंने फिर धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया कि नहीं मुझे पिक करना है, जैसे मैंने ये स्टार्ट किया था पहले, कि पहले मैं काफ़ी कर रहा था कैलकुलेशन पर वो आ नहीं रहा था एकदम से, ठीक है। पर फिर धीरे धीरे मुझे क्लिक किया कि नहीं मैं टिक करते जाता हूँ, मैंने रिलेशन ऊपर लिखा, अभी भी इस प्रॉब्लम के स्टार्टिंग में मैंने ऊपर लिख दिया था, इसीलिए कि आपको पहले तो पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ पहुँचना है। फिर मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया फिगर बनाना कि नहीं यार फिगर ऐसा बनेगा ऐसा बनेगा, फिर इधर सोचा इधर समझ में नहीं आया, फिर इधर मैंने एक्सटेंड करके देखा कि यार एक्सटेंड करने पर हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो हो रहा था सॉल्व, जैसे ही करा मैंने उसको एक्सटेंड किया तो मुझे समझ में आने लगा कि हाँ ठीक है इसके बाद मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होने जा रहा है। फिर धीरे धीरे मैंने आगे जब रखना चालू किया तो यहाँ पे भी कुछ कैलकुलेशन किए यहाँ पे, फिर उसके बाद फाइनली तो मुझे धीरे धीरे क्लिक करने लगा कि अच्छा ठीक है मैं ये पहले करूँगा फिर ये करूँगा ये करूँगा, तो ऐसे करके कहीं ना कहीं मैं पहुँचने लगा अपने रिजल्ट के पहले कि ये पहले ये आया फिर ये आया, मुझे बस ये लाना था, तो इसको लाना बहुत ईजी पार्ट था क्योंकि ए बी सी ट्राइंगल में ही अपोलोनियस फाइनली लगाना है आपको, जिससे कि आपको तीनों साइड ऑलमोस्ट मिल जाती है, ठीक है। तो और ये अकेला पेज नहीं है, और भी हैं, ये भी हैं कुछ, ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने कुछ काम किया था, तो ऐसा और भी है पेज, एक पेज और भी है, तो वो एकदम से नहीं आया सॉल्यूशन, तो आप लोग भी ऐसा मत सोचिए कि बिल्कुल एकदम से ही आंसर आ जाता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है।
आपको भी थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालना होगा। आप थोड़ा 1 घंटे बैठेंगे, 15 मिनट करेंगे, 15 मिनट करेंगे, 15 मिनट, 15 मिनट के आप टाइमर्स लगाइए, है ना, उससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, है ना। फिर 15 मिनट करने के बाद में फिर आप थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, थोड़ा सोचिए, फिर से 1 15 मिनट का टाइमर लगाइए। इस तरीके से आप करेंगे ना, धीरे धीरे आपकी ज्योमेट्री बहुत बहुत जल्दी इवॉल्व होगी, है ना। आपको समझ में आएगा कि अच्छा ठीक है, इस तरीके से करना है, आपका माइंड इस तरीके से काम करने लगेगा, ठीक है, स्टेप्स लेने लगेगा कि ठीक है इस प्रॉब्लम को इस तरीके से हैंडल करना चाहिए। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया हो, मज़ा भी आया होगा। ठीक है।